अगर आपको कोई कार लेनी है लग्जरी कार, कॉन्टैक्ट मी, आई चार्ज अराउंड 20,000 रुपीज, आई चार्ज 5,000 इन एडवांस, देन वी डिस्कस कंसल्ट कि आपके लिए बेस्ट कार कौन सी है, देन वी फाइंड दैट कार, गेट इट टू द लोएस्ट प्राइस, मेक श्योर दैट द कार इज गुड, आई वेरीफाई इट, देन डिलीवर इट टू यू. पीपल लोग ना पोस्टर में कमेंट करते हैं, अच्छा ये कितनी बार टूटी रस्ते में, 4.2 TDI, 6 लाख की आती है मैग्नेट, 6 लाख की A4 मिल जाती है. Choices yours guys. जो मैग्नेट का छोटा वाला इंजन है कहाँ उठेगा. पापा आराम से चलाएं या फास्ट चलाएं? फास्ट चला लूं. पक्का देख ले. पक्का? आवाज में तो तेरी दम नहीं है. लाइन नहीं छोड़ती अपनी, जो मर्जी हो जाए. कहेगा कि मैं हरियाणा का हूँ बिकॉज इस पे हरियाणा नंबर है. ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, हम नंबर देकर राइवलरी बहुत निकालते हैं. बात ध्यान रखना, एक टिप दे रहा हूँ आपको, जब भी आपका माइंड रेस्टलेस हो, कार में था तो ऑब्वियसली इट्स लाइक हार्ड टू फाइट विद मी. उनको जीतने का इतना वो था, उन्होंने टॉल तोड़ दिया, एंड देन आई रियलाइज कि भाई द सिचुएशन हैज गॉन आउट ऑफ हैंड, कि ये तो पर्सनल हो गया बहुत ज्यादा. कार को भी समझा करो हमेशा, ड्राइव आपको मजा तब आना चाहिए जब दो इक्विवेलेंट लेवल की गाड़ियां रेस लगा रही है ना, तब. ऑडीज एंड बीएमडब्ल्यूज में, BMWs are very raw, very rough in driving feel and engine dynamics and everything. Whereas A4 and Audis, A4 छोड़ो, Audis, तो यहाँ पर speed limit 60 की है. And I'm sure again ये पुलिस वाले हमें रोकेंगे. मुझे हमेशा लगता था कि 140 bhp में power कम है, 177 में ज़्यादा, तो ये ज़्यादा भागेगी. But I'm telling you वो ज़्यादा भागती थी. So it's a lazy Sunday morning. And मैं जान के यहाँ पे वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि जितने भी मैक्सिमम रिव्यूज होते हैं ऑटो कार के, ओवरड्राइव के, कहीं पर भी लोनावला में और बड़ी मजदार मजदार सड़कें होती है, तो उनको बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे पास जोरावला है तो हमारे पास कसौली है. एंड वी हैव दीज अमेजिंग रोड्स, अमेजिंग वेदर, एंड वी कैन हैव अ लॉट ऑफ फन ड्राइविंग दीज कार्स, एंजॉयिंग अमेजिंग व्यू. ये परफेक्ट स्पॉट है जहाँ पे एक्चुअली पहाड़ शुरू होते हैं. रियली रियली लव दिस रोड. A3 की भी यहीं पर थी, BMW की एक मैंने ड्रिफ्ट मारने की वीडियो थी, मतलब ड्रिफ्ट की थी, इट वॉज जस्ट लाइक थोड़ी टेल आउट कर रहा था मैं. दिस अ परफेक्ट ड्राइविंग प्लेजर एंड मतलब रोड्स का, एंड देन गाड़ी का बताता हूँ, एंड देन मोस्ट ऑफ ऑल बस बहुत रिलैक्सिंग लगता है. और अच्छी बात है कि चंडीगढ़ जैसे शहर की वी आर ब्लेस्ड टू हैव माउंटेन जस्ट वन आवर अवे. तो अगर आप गेड़ी मारने यहाँ नहीं जा रहे संडे को, तो वी आर जस्ट वेस्टिंग योर संडे एक्चुअली. तो इसलिए नज़र मत लगाना, येस इट्स वेरी क्लोज टू अस, इसलिए हम चले जाते हैं. बट पॉइंट इज कमिंग बैक टू दिस कार, तो लोगों को लगता होगा यार कि मैंने ऑडी A4 का पहले भी बनाया है 2 लीटर TDI का, बट थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वो A4 की थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ. A4 जो आई थी 2009-10 में आई थी, उसके बाद 2012 के एंड में जाकर उसका फेसलिफ्ट आया था विच इज दिस कार, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग आ गया था और थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया था, ये गियर नॉब भी हो गया था, इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग हो गया था, लाइट्स थोड़ी सी और शार्प हो गई थी, जिसकी वीडियो मैंने लास्ट टाइम भी बनाई थी. तो वो फेसलिफ्ट फिर चला 2016 तक, 2016 के बाद बिल्कुल न्यू जनरेशन A4 आई है, जिसका फेसलिफ्ट अब आया हुआ है. फेसलिफ्ट नहीं, आई थिंक अब बिल्कुल चेंज हो गया, यानी मतलब 2016 में न्यू जनरेशन फेसलिफ्ट आया A4 आई थी. बट ये सेकंड हैंड मार्केट में ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन A4 है, जो आपको 6-6.5 लाख से शुरू होकर 14-15 लाख तक की मिलती है. तो 6-6.5 लाख से आपको थोड़ी प्री फेसलिफ्ट मिल जाती है, या और फेसलिफ्ट वाली 2012-13 वाली आपको 8 लाख तक मिलनी शुरू हो जाती है, 2012 के एंड वाली. बट द पॉइंट इज कि इसमें दो ऑप्शन थे, इस फेसलिफ्ट वाले इंजन में दो ऑप्शन थे. जो पहला वाला ऑडी A4 2 लीटर था, उसके अंदर दैट मेक्स 143 BHP, 140 BHP बनाता था. लास्ट वाली वीडियो में वाली जो इंजन था वो 143 BHP बनाता था, जो ट्यून Q3 में भी है, A3 में भी है, जो Volkswagen और Skoda में भी है. एंड बट बाद में क्योंकि 3 सीरीज ने 180 BHP वाला इंजन निकाला, सी क्लास ने 170-180 BHP वाला इंजन निकाला, जो उनका इंजन 5 सीरीज के साथ सेम, मतलब कि 5 सीरीज 3 सीरीज का सेम था काइंड ऑफ, और A6 और ई क्लास और सी क्लास का सेम था. तो इसके ऊपर एक स्पेक्शीट प्रेशर आ गया, किसको भी 140 bhp वाला लोग कह रहे थे यार उसकी तो पावर कम है, वो इंजन अच्छा नहीं है. तो उन्होंने फिर इसी इंजन को A6 ट्यून पे कर दिया, दैट वाज 170 bhp एंड 380 समथिंग एनवर्ट, और जिससे A6 चलती है. बड़ा आपको सबसे सुंदर बात बताने लगा, ये मेरी लाइफ में जब से मैंने गाड़ियां लानी शुरू करी है ना, मैंने एक रियलाइज करा कि आज तक जब मैं गाड़ी इतनी मेरे को मिलती नहीं थी, चलाता नहीं था, तो मैं ऑनलाइन पढ़ते रहते थे, सुनते रहते थे, तो मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस बिल्कुल उल्टा है. हमें जो लगता है ना नंबर से, स्पेक्शीट से, यू हैव नो आइडिया. और मुझे लगता है कभी कभी इंजीनियर्स को भी पता नहीं होता कि उतना तो दिमाग लगा रहा है, उसका फाइनल आउटपुट क्या आएगा. कमिंग बैक टू द मेन थिंग, मुझे हमेशा लगता था कि 140 bhp में पावर कम है, 177 में ज्यादा, तो ये ज्यादा भागेगी. बट आई एम टेलिंग यू वो ज्यादा भागते थे. अब हम कहोगे यार वेट में भी डिफरेंस नहीं है, ऐसा क्यों? उसका कारण यह है कि 143 bhp इंजन वाले में छोटा टर्बो था, या उसकी टर्बो की ट्यूनिंग कम होगी, वॉट एवर, जिसके करके वो जल्दी पिकअप ले लेती थी, तो उसका टर्बो लैग कम था. जब आपको इको स्पोर्ट के टाइम में समझाता था,
इसका टर्बो छोटा हो या होंडा होंडा की डीजल का भी टर्बो छोटा, इसलिए जल्दी पिकअप ले लेती है। बट अगर आप 100 के ऊपर उनको करते रहोगे तो शोर करती रहेंगी और उनकी पिकअप खत्म हो जाती है। तो छोटे टर्बो के कारण क्या है कि जल्दी उठ जाती है और लो लेटर इन द रेव रेंज में उसके बाद उतनी पावर नहीं होती। सो पॉइंट इज जहां पर ये ऑडी 200 किलोमीटर तक जाने के लिए आराम से बनी है, बिकॉज फॉरेन में लोग इसको 170-180 पे क्रूज करते हैं। तो अगर इंडिया जैसे सड़क में जहां पर, अरे यार, तो यहां पर स्पीड लिमिट 60 की है एंड आई एम श्योर अगेन ये पुलिस वाले हमें रोकेंगे, बिकॉज यहां पर कुछ स्कूल है जिसके करके बीच में इन्होंने इस स्ट्रेच पे 60 है और उसका फायदा उठाने लिए सबको रोक के चलान करते हैं और आपको कभी भी नहीं पता लगता कि हमने 60 क्रॉस करी या नहीं करी। सो गॉड ब्लेस कि हमें यहाँ पे ना रोके, नहीं रोके पता चलेगा, बिकॉज दे आर ऑलरेडी वेरी स्टॉक्ड अप पाइल्ड अप, बट चलो आगे भी हैं पुलिस वाले, लेट्स सी। बीज द यू नो दे वर आउट ऑफ स्टॉक फॉर न्यू पुलिस पीपल टू और लोगों को रोकने के लिए, यानी हम बच गए, बट आई एम श्योर कि हम 80-90 बताए। सो पॉइंट इज कि वो 140 bhp वाले में जो टर्बो छोटा था उसके करके गाड़ी बहुत अच्छे से पिकअप होती थी। तो जो A4 की बहुत फन टू ड्राइव क्वोशेंट और नेचर की बात मैंने हमेशा करी है वो एक्चुअली उसमें थी, इसमें थोड़ी कम है। और ये लोगों को बहुत अजीब लगेगा बिकॉज एवरीवन वुड प्रेफर बिगर पावर्ड इंजन, बट दैट इज व्हाट कम्स टू रियल लाइफ डिफरेंस। तो अगर आप इस कार को 150 में चलाते हैं तो इस कार में ज्यादा पावर फील होगी, बिकॉज लेटर इन द रेव रेंज उसमें ज्यादा फील होती है। बट मैक्सिमम इंडियन 120 तक की हम हमारी 90% ड्राइविंग 95% ड्राइविंग 120 तक की ही होती है। बहुत हाईवेज पर भी हम 120 पर काफी टाइम 120 पर ही होते हैं, उसके बियॉन्ड जाते हैं 130 140 150 तो थोड़ा सा डिफरेंस है उस सेफर में इस सेफर में। और नटशेल में बता दूं कि उसमें मैं फिर हाईवे पे भी बहुत तेज क्रूज कर भगा रहा होता था, बिकॉज अचानक ही रेस देने में बहुत इजीली उठती थी और ये उतनी इजीली नहीं उठती। इसको आपको स्पोर्ट्स के डाल के भगाना पड़ता है या किक डाउन देके भगाना पड़ता है जैसे मैं A6 को भगाता था, बट A4 में ऐसी, पिछली वाली A4 में ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। एंड देन कमिंग बैक टू दिस, व्हाई दिस कार इज सच अ स्पेशल कार, ये मेरे हिसाब से कोई भी बंदा जो पहली लग्जरी कार लेना चाहता है उसके लिए बहुत अच्छी कार है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल, वन ऑफ द मोस्ट स्मूदेस्ट एंड बेस्ट ऑलराउंडर कार। इसमें एक ही चीज़ है कि इसमें जो बहुत बड़ी बड़ी फीलिंग नहीं है कार में पीछे बैठ के, अगर आपको बहुत ज़्यादा लग्जरी एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत रूमी एक्सपीरियंस चाहिए, वो इसमें नहीं मिलता। अदर देन दैट दिस कार इज अ परफेक्ट स्टार्टिंग ऑडी। A3 तो जैसे आई 2014-15 में तो वो थोड़ी सी फिर भी 10-12-13 लाख की मिलती है, बट अगर किसी का बजट 8-9 लाख तक का है तो उसको A4 लेनी चाहिए, 2012-13 मॉडल आराम से मिल जाती है। बट अदर देन दैट आपको याद होगा A3 जब मैं इस रोड में भगा रहा था, सो A3 की सस्पेंशन मैंने बताई थी कि काफी स्टिफ है जिसके कारण वो बजती है सड़कों के ऊपर, तो आप उसके टायर नो डाउट चौड़े करा के थोड़ा उसको चेंज कर सकते हो, बट फिर भी इट्स नॉट एज स्मूथ एंड कंफर्टेबल जब या पीछे बैठे हो तो आगे बैठे हो तो खराब सड़कों से जो सोफे की तरह गाड़ी निकल जाती है बड़े प्यार से, वो A3 नहीं कर सकती। उसका फायदा ये है कि A3 150-160 पे बहुत स्टेबल होकर चलती है और बड़ा मजा आ रहा होता है उसको कट कुट काटने में, बिकॉज इट्स लाइक रियली स्टिफ, बट खराब सड़कों पे वो खराब करती है, तो इट इज अ डाउनर बिकॉज इंडिया में आप कंफर्टेबली बहुत बार ट्रैवल करना चाहते हो। तो A4 उस चीज में बेस्ट बैलेंस है, A4 एज बेस्ट राइड हैंडलिंग पैकेज, हैंड्स पकड़ ले सीट, इट पिक्स अप वेल, हैज द बेस्ट 2 लीटर इंजन, पकड़ के चलती है, कॉम्पैक्ट है, एक गाड़ी का मोबाइल रूमते रहता है इधर उधर। अब सस्पेंशन की आपको थोड़ी सी आवाज जरूर आई होगी वो करके, बट मैं हिला नहीं, गाड़ी नहीं हिली, क्योंकि A3 में हम ऐसा करके हिल जाते हैं। सो दीज आर स्लाइट डिफरेंसेज इन डिफरेंट कार्स। तो मैं बहुत लोगों को जिनकी मेरे से पर्सनली बात हुई है उनको हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि अगर आपकी पहली लग्जरी कार है तो आप A4 ले लो, एज लॉन्ग एज अगर आप A6 या 5 सीरीज में नहीं बैठे या आप A6 की एयर सस्पेंशन के साथ अगर कंफर्टेबल नहीं हो, दिस फील्स टू बी वेरी वेरी कंफर्टेबल। एंड देन एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, ऑडीज एंड BMWs में, BMWs आर वेरी रॉ, वेरी रफ इन ड्राइविंग फील एंड इंजन डायनामिक्स एंड एवरीथिंग, वेयर एज A4 एंड ऑडीज, A4 छोड़ो, ऑडीज आर वेरी रिफाइंड। इनके डीजल आपको पेट्रोल की तरह चलने को मिलेगा, जैसे इसने थोड़ा सा टाइम लिया उठने में जो पुरानी A4 नहीं लेती, बट देन इट ऑल्सो स्टिक्स टू इट, द ग्रिप एंड एवरीथिंग इज रियली अमेजिंग। तो A3 के जो डायनामिक्स हैं आपको वो भी इसमें मिलेंगे, थोड़ी सी बड़ी भी मिलेगी एंड देन खराब सड़कों पर कंफर्टेबल भी मिलेगी। मोस्ट रिफाइंड इंजन इन एज कम्पेयर टू मर्सिडीज और BMWs, एंड दैट्स व्हाट आई रियली लव अबाउट देम। इसका इतना ही लाइट स्टीयरिंग है, इतनी ही कंफर्टेबल है,
और सबसे अच्छी बात इसकी राइड क्वालिटी जो बहुत ही अच्छी है. बट देन द रीजन आई लव A6 बिकॉज यू कैन एक्चुअली लाइक शिफ्ट बिटवीन स्टिफ विद डायनामिक मोड एंड कंफर्ट. बट A3 इज स्टिफर एंड A4 इज ऑन द कंफर्टेबल साइड एंड दैट्स द रियली गुड पार्ट. एंड देन विदाउट लूजिंग ऑन एनी बेल्ट एंड व्हिसल्स, अमेजिंग साउंड सिस्टम, अमेजिंग एवरीथिंग. A3 इज अ लिटिल एक्सपेंसिव, इट्स लिटिल मॉडर्न, उसके अंदर न्यू डिजाइन लैंग्वेज है, थोड़ी ओल्डर डिजाइन लैंग्वेज है. बट यस, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी और बेस्ट हैसल फ्री कार. आई हैव सीन पीपल जिन्होंने 1.5-2 लाख किलोमीटर ऐसी चलाई जा रहे हैं, कुछ नहीं होता इनको. सिर्फ वही जो बात मैंने आपको शायद पिछली ऑडी फिर में बताई थी कि जिस ऑडी में ये वाला इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग है उस गाड़ी को, वैसे आपको किसी भी कार को, एटलीस्ट जर्मन सेडान को या नॉर्मल सेडान को भी पानी में नहीं घुसाना चाहिए. मारुति को घुसा लो कोई बात नहीं, बट जैसे सियाज को मैं घुसा लेता होता था कि अगर आपके एरिया में बारिश आई है और काफी ऊपर तक पानी है तो उन दिनों ये गाड़ी मत लेके जाओ. इनके स्टेयरिंग के अंदर कोई नीचे इनके पार्ट्स हैं, अगर जिसमें पानी चले जाता है तो स्टेयरिंग सिस्टम जाम हो जाता है, तो उसके करके आपका 70-80 हज़ार का पूरा सिस्टम सारा नया डलता है. सो वो एक कॉमन चीज़ है जो आपने इस गाड़ी में ख्याल रखनी है. उसके अलावा इस कार में कुछ भी खराब होने वाला नहीं. एज आई टोल्ड अर्लियर, CVTs आर मोर रिलायबल देन DSGs, एंड यस दिस हैज द CVT गियरबॉक्स. सो दिस CVT विद दिस 2 लीटर A6 इंजन इज एक्चुअली अ कंप्लीट A6 ड्राइव ट्रेन. आई डोंट नो अब CVT A6 वाला है दूसरा वाला है, बट CVT है. तो लेट मी गिव देम 40 रुपीज. वेट भाजी, पेटीएम है, कैश नहीं है भाई, अपना नहीं, सच्ची नहीं है. सच में नहीं है, नीचे दे दिया 50-100 रुपए थे, वो नीचे रस रूस पी लिया. बोलो 9899916 9692 9693. मुकेश कुमार कितने पैसे मुझे बंद हुई हुई है. दिस इज लाइक हिमाचल एंट्री टैक्स. भाई मेरी Q5 पर जिस पे HP नंबर है इस पर नहीं देना पड़ता. Anyhow, coming back to this amazing car. And yes, मैं अपनी सीट काफी नीचे करके बैठ के चलाता हूँ, आपने नोटिस कर लिया होगा, because that is why, that is how I really love sedans. And somehow I feel आप जितने नीचे लेटे होते हो आपकी legs, calf muscles लंबी होती है, it's like आप रिलेटिव पोजिशन में होते हो, आपको बॉडी में टायर्डनेस सबसे कम होती है. ऐसे स्पीड में अगर A3 थोड़ी ज़्यादा हिल जाती है, उसके वजह की टायर की थोड़ी सी I really love this road. About 100. So as I told, this gives you best balance of ride quality and dynamics. That's why I really love driving this car. This is like a perfect daily driver. बहुत लोगों में जैसे A6 और 5 सीरीज है ना थोड़ा ओवरवेल भी हो जाते हैं. जैसे पहली कार अगर जिसको लेनी होती है ना तो उनको लगता है बहुत बड़ी है, दैट मैम बहुत कंफर्टेबल हूँ उसका, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, उनमें जहाज वाली फीलिंग आती है, यू नो दैट, कि सो मच ऑफ कार इन द फ्रंट, सो मच ऑफ कार इन द बैक, एंड उनका एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है 5 सीरीज का और A6 का. यू कैन रियली फील वेरी लग्जूरियस इन दोज कार्स. इसके अंदर क्या है कि आपको साउंड आपकी वो है, मतलब कि बाहर का शोर नहीं आता, वो सब है, बट वो जो जहाज वाली फीलिंग होती है, लाइक देयर इज अ कॉकपिट इधर से इधर आ रहा है, एंड देन यू आर इन ककून, वो वाली चीज इनमें नहीं है. वो किसी वो 3 सीरीज में भी नहीं है, A3 में भी नहीं है, उसमें भी नहीं है. दे आर लाइक मोर ड्राइविंग फोकस कार्स. इनमें ड्राइव को फील ज्यादा कर पाते हो, मजा उनमें भी उतना ही आता है. सो तभी मतलब आई वुड स्टिल लाइक, मैं थोड़ा ड्राइविंग में उसमें मैच्योर होगा, तो आई स्टिल प्रेफर बिगर कार्स एज माई पर्सनल कार्स. बट A4 एंड दिस 3 सीरीज एंड एवरीथिंग, these don't overwhelm you. So anyone जिसको पहली बार लग्जरी गाड़ी चलानी है और उसको तो मैंने शहर में चलानी है, एंड जो मैं चाहता हूँ कि आप लग्जरी गाड़ी लो तो चलाओ प्लीज, उनको घर पे खड़ा के मत रखा करो, तो उनके लिए A4 A3 ऑल आर वेरी परफेक्ट. A3 का प्रॉब्लम क्या उल्टा है, A3 लोगों को लगता है कि काफी छोटी है, तो लोगों को लगता है अगर पैसा खर्च रहे हैं कि लोग मजाक ना उड़ाएं कि इन्होंने इतनी छोटी कार ले ली है, जबकि छोटी कार का अपना मजा. A3 एक्चुअली बाहर हैचबैक वर्जन में आती थी, इन्होंने यहाँ पे सेडान लेके आए हैं. जिन टर्न्स पे ना गाड़ियां बजा रही अपने आपका अपना रोल संभाल रही होती हैं, उन टर्न्स पे उनको ओवरटेक कर रहे होते हैं, बिकॉज इट्स दीज कार लाइक रियली स्टिक टू द रोड. मतलब पूरे कर्व के अंदर ही आप ओवरटेक करके उनको, द अमाउंट ऑफ ग्रिप दैट दीज कार्स कैन ऑफर इज रियली गुड.
और यही मैं बता रहा था 3 सीरीज का डिफरेंस जो आपको अगर याद होगा पिछली वीडियो में, कि लोग कहते हैं इट्स लाइक लॉट ऑफ फन, बट पता नहीं क्यों जब मैं इतना ऐसे रैश चला रहा होता हूँ या बहुत सारी ग्रिप चाहिए होती है तो मुझे यही लगता रहा था कि भाई पीछे से गाड़ी वो हो जाएगी। तो इफ यू कैन कंट्रोल इट इट्स ओके, बट उसमें मतलब अगर आप एक कर्व होते होते गाड़ी को बीच में से लेन चेंज करना 3 सीरीज में बहुत रिस्की है। इसमें जबकि मैंने आपके सामने करी कि हम एक तरफ पूरी रोड कर्व हो रही है और मैं उसके अंदर लेन चेंज कर रहा हूँ, अभी भी जैसे यू कैन सी दैट आप फील करो ऑल व्हील ड्राइव सेडान्स कितनी मजेदार होती होंगी, बट प्रॉब्लम इज कि A6 क्वाट्रो आती है 3 लीटर। थ्रोटी एग्जॉस्ट नोट्स ऑन सुपर बाइक्स जस्ट वेंट फास्ट बाय। तो A6 3 लीटर आती है जो क्वाट्रो, बहुत रेयर मिलती है, लेस ड्रिवन, ज्यादा ड्रिवन में मैं बिलीव नहीं करता। मुझे पता बहुत देर बाद पता लगा कि एक एंडेवर वाला हरियाणा का बंदा, काले शीशे, पूरी काली कार और न्यू कार थी, वो मेरे साथ रेस लगा रहा था एंड आई हैड नो आइडिया। तो अचानक ही हम एक टॉल पे, मैं रुका जब अगला टॉल आया, तो टॉल पे लेफ्ट साइड पे आके वो मेरे को गाली गुली निकालने लग गई, बुरा बोलने लगा, इसको क्या हो गया। तो मुझे पता नहीं चला, मैंने कब उसको कट पा रहा होगा या वो वैसे ही खुद ही ओवरवेल्म हो गया होगा मेरी स्पीड से, या उसको लगा होगा मैं तेज निकला, बिकॉज एनी हाउ मैं फास्ट था, बट मेरे को ध्यान भी नहीं था कि वो एग्जिस्ट भी कर रहा है उस रोड में। तो एनी हाउ तो मुझे उससे पता चला अच्छा रेस है। तो वो दो टॉल्स ना बहुत पास आते हैं, पानीपत से और उसके पहले वाला है, पता नहीं पानीपत से उसके बाद वाला। तो एक टॉल से दूसरे टॉल तक हमारी रेस लगी, उसमें क्या हुआ कि उसमें ऑब्वियसली मैं आगे था, वो पीछे था, बिकॉज कार का डिफरेंस था भाई। आप ना कार को भी समझा करो हमेशा, ड्राइव आपको मजा तब आना चाहिए जब दो इक्विवेलेंट लेवल की गाड़ियां रेस लगा रही है ना, तब इट्स ड्राइवर वर्सेस ड्राइवर, बट व्हेन देयर इज सच अ बिग डिफरेंस इन द कार इटसेल्फ, सो तो आप दिल पे मत लो, कम से कम आप सोचो यार कि चल अगला जीत रहा, तो गाड़ी जीत रही है उसकी यार। एनी हाउ वो लोग थे ऐसे, तो चलो अगला टॉल आया, अगले टॉल पे थी उन्होंने टॉल ही तोड़ दिया, बिकॉज मैं पहले था, मैं टॉल में फास्ट टैग की वेट कर रहा था, तो उनको जीतने का इतना वो था, उन्होंने टॉल तोड़ दिया, एंड देन आई रियलाइज कि भाई द सिचुएशन हैज गॉन आउट ऑफ हैंड, कि ये तो पर्सनल हो गया बहुत ज्यादा। तो जैसे उन्होंने टॉल तोड़ के आगे निकाला, सायरन था बजने लग गया वहां पे, मैंने पहली बार देखा था किसी को टॉल का वो बूम बैरियर तोड़ते हुए, एंड दैट वाज अ न्यू कार। अब क्या पता जिसकी गाड़ी थी वो चला रहा था या साथ वाला चला रहा था, क्या बड़ा अंडरस्टूड कि माहौल थोड़ा गर्म हो गया, एंड मैं हरियाणा में ही था, एंड ऑब्वियसली आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग इनटू एनी नॉनसेंस। एंड तो हम क्या करने लगे, हाँ तो उसके बाद वो हमारी गाड़ी रोकने लगे, आगे आगे लाके ना, आगे आगे लाके रोकने लगे, इनको रोको, कि ऑब्वियसली उनको था कि गाड़ी में तो चलो हम नहीं जीत सकते, या हमारा ये हो गया वो हो गया, उनको होगा कि उनकी गाड़ी बची तो उन्होंने हमारे पे डालना था, वट एवर भाई साहब जी। और जब मैं कार में था तो ऑब्वियसली इट्स लाइक हार्ड टू फाइट विद मी, मैंने साइड साइड करके निकाल ली, वो और पैनिक और पैनिक और पैनिक और पैनिक होते रहे, करते करते वो भाई साहब की बिल्कुल ब्रांड न्यू कार उन्होंने किसी गाड़ी में मारी, और वहाँ पे 2-3 गाड़ियाँ आपस में ठुक गई, और हम आराम से वहां से आ गए, और एंड आई मेड श्योर ऑब्वियसली कि जिस गाड़ी में बजे वो गाड़ी में, मतलब उनकी गाड़ी टूटी, बाकी गाड़ियों में थोड़ा थोड़ा नुकसान हुआ, बट कोई लाइफ का डेंजर नहीं था, इतना जो कोई बड़ा क्रैश नहीं हुआ, ब्रेक मारते मारते गाड़ी बनी, बट उनकी किसी और में बनी, और पीछे से एक स्कॉर्पियो आ गया उनकी गाड़ी में। तो प्लीज यार, व्हेनेवर यू डू ऑल दिस सेट, सेंसेस में रहो, मैच्योरली आप मैच्योर होके भी गाड़ी रैश चला सकते हो। आप एक बात ध्यान रखना, एक टिप दे रहा हूँ आपको, जब भी आपका माइंड रेस्टलेस हो या आप नर्वस हो या आपके अंदर पैनिक हो, कभी गाड़ी रैश नहीं चलानी, और जब आप काम हो, रेस्ट पे हो, बहुत कंफर्टेबल हो, तब कार आपकी रैश हो तो ठीक है, दैट्स टोटली ओके। लाइक राइट नाउ मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ, बट माय कार इज फास्ट राइट, तो आई एम इन टोटल कंट्रोल। अगर आपका माइंड कंफर्टेबल नहीं है ना, कभी गाड़ी रेस पर चलाओ, आइदर किसी को गाड़ी दे दो, या अगर आप किसी रेस से पैनिक हो रहे हो, तभी रेस से लगाना रिस्की बहुत होता है, इट नीड्स अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी, बिकॉज रेस में आप अपने सेंसेस से बाहर आ जाते हो, जीतने हारने के चक्कर में पड़ जाते हो। ऑलवेज मेक श्योर रेसेस और स्ट्रीट रेसेस या तो ऐसी रैंडम से लग जाती है, दे आर नेवर अबाउट विनिंग, दे आर ऑलवेज अबाउट फन। आई रिमेंबर वंस A6 में मैं डेली जा रहा था अपनी, तो एक CLA के साथ रेस लगी थी, इट वॉज सो मच ऑफ फन, एंड आफ्टर 15-20 मिनट जब हमने बहुत रैश चलाई, तो वी रियलाइज कि बहुत हो गया,
तो उस बंदे ने भी अपना हाथ बाहर निकाल के डिपर ऑन करके ऐसे से कर दिया, कभी मैं ओवरटेक कर रहा था कभी वो ओवरटेक कर रहा था, थोड़ा सा ट्रैफिक था बीच में, वो अलग अलग लेन कटिंग का भी अपना मतलब, दैट वाज अ साइन कि यार नाउ इट्स डन, सो यार यू शुड बी मैच्योर एनफ टू डू दैट, दैट इज हाउ यू एक्ट रियली हैव फन एंड दैट इज हाउ यू रियली एंजॉय कार्स, तो ये प्लीज ख्याल रखो, हम कार एंथुजियास्ट तो हैं बट वी नीड टू मेक श्योर दैट हाउ टू ड्रॉ दैट लाइन। नहीं चाहिए अच्छी जर्मन नहीं चाहिए, किसी और में मजे लेने ले लो, नहीं करना ये सब, आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन द फन दैट आई हैव। एंड विद द लेवल ऑफ सेफ्टी यू कैन डू दैट, द लेवल ऑफ सिक्योरिटी एंड सॉलिडिटी यू कैन डू दैट, विद द लेवल ऑफ ब्रेक्स बोल रहा हूँ, ब्रेकिंग पे जो कॉन्फिडेंस होता है, द टायर्स एंड एवरी, ऑब्वियसली यू नीड टू एंश्योर, मैंने उसको टायर चेंज कराए हुए हैं, टायर्स में बहुत जोर लगाता हूँ, हवा राइट होनी चाहिए, बैलेंसिंग अलाइनमेंट राइट होनी चाहिए, टायर्स राइट होने चाहिए, दिस इज द थिंग, पता है जिसके कारण गाड़ी महंगी है, दिस इज द थिंग, दिस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ज्यादा भी कर सकते हो लुधियाना की कार, उनको लगेगा कि मैं हरियाणा का हूँ बिकॉज इस पे हरियाणा नंबर है, ये भी बड़ी प्रॉब्लम, हम नंबर देके राइवलरी बहुत निकालते हैं, तब भी ये था मैं हरियाणा में था और वो HP नंबर की Q5 थी, तो उनको लग रहा होगा कि हिमाचली है, दिस इंटरस्टेट कंपटीशन भी इंडिया को बहुत बैंड में जाता है, नॉट रियलाइजिंग कि नंबर तो कोई भी डिफरेंट हो सकते हैं, तो आई थिंक वी हैड फन, इट वॉज गुड, गाड़ी के बारे में और कुछ ज्यादा बताने वाला है नहीं, इट्स सो गुड, इसकी माइलेज भी 22-23 की है, तो ऑडी के 2 लीटर इंजन, आई थिंक 2 लीटर इंजन जितने जर्मन के है ना वो सारे अगर आप प्यार से चलाओ 20-22 की माइलेज दे देते हैं, तो टेंशन वाली बात नहीं है, बट देन एज आई टोल्ड यू ऑडी इज मच बेटर देन BMW इन हैविंग गुड इनिशियल पिकअप, बट जो इसके 140 BHP वाला इंजन ट्यून है A4 का, उसकी और भी इनिशियल पिकअप अच्छी है, तभी A3 की भी अच्छी है, Q3 की भी अच्छी है, तो उसका 177 BHP वाला वर्जन जो A6 में आता है, उसका जो A4 का 2 लीटर वाला इंजन है, उसकी BMW से तो बहुत बेटर है, बहुत रिफाइंड है, और एक बार पिकअप आ जाती है तो इट्स अ नेवर एंडिंग टॉर्क सर्च, बट मेरे को फील होता है यार बिकॉज मेरी A4 साथ वैसे अटैचमेंट हो गई थी कि थोड़ी सी रेस पे बहुत फास्ट उठती है, अभी मैं जो स्पोर्ट्स गियर में चला रहा हूँ मेरे को उसका स्पोर्ट्स गियर में डालना ही नहीं पड़ता और वो ऐसी भागती है। लाइन नहीं छोड़ती अपनी जो मर्जी हो जाए। चलो आई थिंक वी आर डन फॉर द डे, मेरा जो आग बेचारा इधर उधर पीछे हो गए, यानी अब ठीक हो, कितने इधर उधर हुए, नहीं हुआ, अच्छा पकड़ के बैठे हो, वेरी गुड, पापा आराम से चलाएं या फास्ट चलाएं, फास्ट चला लूं, पक्का देख ले, पक्का, आवाज में तो तेरी दम नहीं है, तो आई थिंक देयर इज द नेक्स्ट टॉल दैट्स कमिंग, बट आई थिंक वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई होगी, ठीक है, लेट्स सी, देख माय पापा अपने, ये ड्रिफ्ट नहीं होती बेबी, ESP की लाइट बार बार ऑन हो रही है, बट यू नो दैट्स द गुड पार्ट ऑफ अ गुड चैसी राइट, यू हैव नो मतलब इवन इफ द टायर्स आर स्किडिंग आई नो आई एम नॉट लूजिंग ग्रिप, कैसे समझाऊं आपको, द कार इज टोटली राइट है, जैसे आपने पोर्शे वाली वीडियो में देखा होगा जब मैंने बीच में थोड़ा रैश चलाया उसमें टायर की वो आ रही थी, बट आई वाज नॉट लूजिंग ग्रिप, दैट्स द फन ऑफ हैविंग अ गुड डायनामिक चैसी। चलो बच्चो, मैग्नेट का छोटा वाला इंजन है, कहाँ उठेगा कहाँ उठेगा, 6 लाख की आती है मैग्नेट, 6 लाख की A4 मिल जाती है, चॉइसेस योर्स गाइस, योर्स फन, डरते रहो सारी उम्र, हाय इतना खर्चा, आई नो लॉट ऑफ पीपल लोग ना पोस्टर में कमेंट करते हैं, अच्छा ये कितनी बार टूटी रस्ते में, 4.2 TDI, दिस इज अ V8, प्रोड्यूसर्स 350 BHP पावर, ऑल व्हील ड्राइव क्वाट्रो एंड अराउंड 700 to 800 NM ऑफ टॉर्क, 4200 cc का इंजन है, पोर्शे में भी आता है, अगर उसको रैश चलाने पे आए इट्स अमेजिंग, बट देन इसकी भी इनिशियल पिकअप कम है बिकॉज ये ज्यादा बड़ा इंजन है, ज्यादा बड़े टर्बोज लगे हैं, इसको उठने में थोड़ा टाइम लगता है, सो दिस इज फॉर द हाईवेज, बहुत ज्यादा रेस देनी पड़ती है इसके पावर बैंड में आने के लिए, ये 4.2 की प्रॉब्लम है, तभी उसमें भी Q5 Q7 में भी 3 लीटर वाले में ज्यादा मजा आता है, सो
ये सब गूढ़ ज्ञान दे रहा हूँ आपको, जो आपको कागजों से आपको लगेगा कुछ और, बट रियल लाइफ में एक्चुअली कुछ और है। लग्जरी कार कॉन्टैक्ट मी, आई चार्ज अराउंड 20,000 rupees, आई चार्ज 5,000 इन एडवांस, देन वी डिस्कस कंसल्ट कि आपके लिए बेस्ट कार कौन सी है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड लग्जरी के वर्ल्ड में नहीं हूँ, सो वी फाइनलाइज दैट कार इन योर बजट, आई गाइड यू द राइट वे, देन वी फाइंड दैट कार, गेट इट टू द लोएस्ट प्राइस, मेक श्योर दैट द कार इज गुड, आई वेरीफाई इट, देन डिलीवर इट टू यू। सो इफ यू वॉन्ट टू हैव योर फर्स्ट लग्जरी कार, एंड थोड़ा मन में आपको डर है कि खराब होगी होगा होगा, तो हम टेलिंग यू डर निकाल दो, 10 में से एक दो गाड़ियाँ लेने वाली होती हैं, बट वो जो एक दो लेने वाली होती हैं वो मजेदार होती है, सो आई विल फाइंड दैट एक दो फॉर यू, एंड तब तक लेट्स हैव फन, कीप एंजॉयिंग ड्राइविंग।